एफएटीएफ का रूस पर बहुत बड़ा एक्शन। टास्क फोर्स की बैठकों से रूस को बैन कर दिया एफएटीएफ ने। एफएटीएफ की बैठकों में अब शामिल नहीं हो सकेगा रूस। एफएटीएफ ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की है, तो एफएटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई रूस के ऊपर। अब टास्क फोर्स की जो बैठकें होंगी उसमें रूस को शामिल नहीं किया जाएगा। एफएटीएफ ने रूस पर बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं, एफएटीएफ ने यूक्रेन पर जो रूसी हमले हो रहे हैं उसकी निंदा भी की है। बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है एफएटीएफ की ओर से रूस के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है और रूस के लिए एक बड़ा झटका इसे कहें तो गलत नहीं होगा। एफएटीएफ ने कहा है अब रूस टास्क फोर्स की किसी भी बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, शामिल नहीं होगा। बैन लगा दिया गया है रूस के ऊपर। टास्क फोर्स की अभी तक जितनी भी बैठकें होती थी उसमें रूस की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती थी, लेकिन अब क्योंकि जंग जारी है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन पर हमले लगातार रूस की ओर से किए जा रहे और इस हमले की निंदा की एफएटीएफ ने, कहा है कि अब बैन लगा दिया जाएगा। तो देखिए इससे जुड़ी जो बहुत सारी डिटेल्स है वो आपके साथ नीचे जाकर मैं शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन वॉल पर। एफएटीएफ बहुत महत्वपूर्ण और इस संगठन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रूस की अभी तक होती थी। जितनी भी बैठकें टास्क फोर्स की आयोजित की जाती थी उसमें पुतिन की, रूस की बड़ी भूमिका होती थी, उनसे सलाह मशवरा किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि यूक्रेन पर जंग के हालात है, रूस लगातार हमले कर रहा है और इस हमले की निंदा करते हुए रूस पर बैन लगा दिया गया है एफएटीएफ की ओर से, और कहा गया है कि अब जितनी भी टास्क फोर्स की बैठकें होंगी उसमें रूस की सहभागिता नहीं होगी। अब आपको हम डिटेल बताते हैं, रूस पर एफएटीएफ का ये एक्शन बेहद बड़ा है जिसके नतीजे यकीनन बेहद गंभीर होने वाले हैं। साथ ही इस पर रूस की सख्त प्रतिक्रिया भी तय है। आइए एफएटीएफ की कार्रवाई की डिटेल्स हम आपको समझाते हैं। देखिए बिग वॉल पर ये सारी जानकारी है। दो बड़े एक्शन लिए गए हैं, मौजूदा और फ्यूचर की परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है। किसके ऊपर कार्रवाई है? रूस के ऊपर कार्रवाई है। एफएटीएफ की बैठकों में अब रूस पर बैन लगा दिया गया है, रूस इसमें शामिल नहीं होगा। दो बड़े एक्शन में आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन पर अनावश्यक युद्ध थोपा गया है, यह एफएटीएफ ने बात मानी है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन में विनाश का कारण बना रूसी कार्रवाई, इसकी बार बार निंदा की गई है। लेकिन रूसी कार्रवाई की निंदा करते हुए यह भी कहा गया है कि आक्रामकता बनी रही है रूस की, रूस को सोचना चाहिए था यूक्रेन पर हमला करने से पहले। रूसी एक्शन हमारे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, ये भी एफएटीएफ ने कहा है। और एफएटीएफ ने रूस को लेकर ये भी कहा कि रूस जो एक्शन ले रहा है उससे सुरक्षा और फाइनेंशियल सिस्टम को भी धक्का लगा है, नुकसान पहुंचा है। और देखिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, साथ ही एयर कोमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, कर्नल यूएस राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित कुमार झा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जनरल कोचर आपका रुख करना चाहूंगी, एफएटीएफ ने ये जो बड़ी कार्रवाई रूस के ऊपर की है कि टास्क फोर्स की बैठक में आप शामिल नहीं होंगे, यूक्रेन पर जो आप हमला कर रहे हैं वो सरासर गलत है, हम निंदा करते हैं, रूस के लिए ये कितना बड़ा झटका है एफएटीएफ की ओर से? डेफिनेटली जी, ये एक बहुत बड़ा फैसला है ये, और एक सेटबैक है रशिया के लिए, बिकॉज एफएटीएफ एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी का, और रशिया की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए ये फैसला किया गया है, रशिया को आइसोलेट करने के लिए फैसला किया गया है, रशिया के ऊपर प्रेशर और दबाव और ज़्यादा डालने के लिए फैसला किया गया है। पर अगर मैं इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसमें शॉर्ट टर्म में रशिया के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज रशिया सैंक्शंस का भी ज़्यादा इम्पैक्ट रशिया के ऊपर नहीं पड़ा है। और ये शॉर्ट टर्म में, ऑफ कोर्स अगर ये लॉन्ग टर्म में होता है फैसला और ये लंबा जाता है तो रशिया के ऊपर फर्क पड़ेगा, बट आप कह रहे हैं फिलहाल ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रशिया पर एफएटीएफ के इस फैसले का। जहां तक सवाल है कर्नल राठौर, क्या नजर आता है, कहीं ना कहीं नेटो कंट्रीज का, अमेरिका का जो दबाव है उसका असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है क्या एफएटीएफ के इस फैसले के पीछे? जाहिर सी बात है, इस पे यूएन के ऊपर दबाव है,
और इस पे फैसले में रशिया के ऊपर फैसले पे इस फैसले पर असर आएगा, क्योंकि जितने भी उसके बैंकिंग एसेट्स फ्रीज किए गए हैं वो रशिया खोल नहीं पाएगा और उसके लिए कहीं जा भी नहीं सकता कहने के लिए कि इन बैंकिंग एसेट्स को आप डीफ्रीज करें, तो कहीं ना कहीं रशिया को इससे प्रॉब्लम आएगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि UNHRC से भी रशिया को बाहर कर दिया गया था जी। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रशिया धीरे धीरे आइसोलेट हो रहा है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी गिरती जा रही है। तो ये एक रशिया के ऊपर एक तरीके से आघात है और पुतिन को ये लगता है कि वो चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।